रमजान मुबारक हो। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं बहुत सारी रेसिपीज। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन अरेबियन पॉप्स और बनाएंगे दही वड़ा और आलू का भजिया। आज हम लोग रगड़ा नहीं बना रहे क्योंकि आज हम लोग दही वड़ा बना रहे, इसलिए रगड़ा नहीं बना रहे, हम लोग का फेवरेट। और आज हम लोग येलो करिंगर भी रखेंगे अफ्तारी में फ्रूट के साथ, येलो और रेड दोनों रखेंगे। और जूस भी बनाने वाले हैं, तो आपको अभी रेसिपी मिलेगी। तो पहली रेसिपी मैं आपको बताने वाली चिकन अरेबियन पफ, चलो उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। और गाइस आप लोगों को अयानिका दिख रही नहीं है, अयानिका रोजा, हम लोग सब लोग रोजा है, अयानिका रोजा रख के स्कूल गए, अभी 2 बजे गए, बाहर बहुत धूप भी हो रही है, देखते हैं अभी लोग आते हैं तो उन लोगों का कैसा मूड होगा। तो अभी चलते पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो गाइस पहले दही वड़े के लिए दाल को पीस लेना है। तो दाल को रात से भिगा के रखे थे मम्मी ने, अभी इसको मिक्सर के जार में डाल के इसको पीस लेना है, इसको अच्छे से डाल देना है। थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, देखिए दही वड़े का बैटर रेडी हो चुका है। ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, देखिए अच्छे से ऐड कर देना है। फिर इसके बाद ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट, फिर अभी सॉल्ट ऐड करेंगे, बाद में सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे। देखिए हम टेम्परेचर पे रख देना इसको सेट होने। सब है इंग्रेडिएंट्स जो चिकन अरेबियन पफ बनाने के लिए। चिकन अरेबियन पफ बनाने के लिए गोभी और कैरेट और कैप्सिकम को डालेंगे। अच्छे से कैप्सिकम इसको कट कर लेना अच्छे से, देखिए ऐड करेंगे इसमें चिकन, चिकन ऐड कर दिए। फिर उसके बाद ऐड करेंगे स्पाइसेस, पहले ऐड करेंगे ग्रीन चिली पीसी हुई, फिर उसके बाद ऐड करेंगे धनिया पाउडर, फिर उसके बाद ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, फिर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, फिर उसके बाद ऐड करेंगे इसमें ओरिगानो, फिर उसके बाद ऐड करेंगे इसमें वाइट पेपर, देन उसके बाद ऐड करेंगे गरम मसाला, करेंगे चिली फ्लेक्स, फिर ऐड करेंगे सॉल्ट, चाट मसाले को अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे। फिर इसके बाद ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, इसके बाद ऐड करेंगे मायोनीस, इसके बाद ऐड करेंगे टमाटो केचप, इसको डाल देंगे, इसको पफ के बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी ये बैटर चिकन अरेबियन पफ का बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है, अभी इसको पफ बनाएंगे। और फिर इसको पफ बनाने के टाइम थोड़े टाइम पहले इसमें चीज़ ऐड करेंगे, मोन्जरेला चीज़। चिकन अरेबियन पफ बनाने के लिए जब उसको डिप करेंगे फिर ब्रेड क्रीम का वो करेंगे, कोट करेंगे, तो उसके लिए मैदे का एक बैटर बनाएंगे। तो उसके लिए 3 स्पून क्या बोलते हैं मैदा लेंगे, 3 टेबल स्पून मैदा लेंगे, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर आटा लेंगे, 1 एंड 2। ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, फिर इसके बाद ऐड करेंगे सॉल्ट, रुको रुको 2 सेकेंड, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे वाटर, थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। फिर और थोड़ा ऐड कर दिए पानी, थोड़ा कम लग रहा था, फिर इसके बाद इसको अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेना है। अभी आया निकरा आते ही होएगी गाइस, अभी लोग देखते हैं लोग आएंगे तो लोग कैसे
देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा पानी ऐड कर दिए, थोड़ा पतला चाहिए क्योंकि उसको अच्छे से चिपकना चाहिए ना, उस पर ये अप्लाई होगा तभी ब्रेड क्रम अच्छे से स्टिक होएगा ना उस पर। अभी इसको ये हो गया है, इसको अभी अरेबियन पफ बनाने के लिए लिए गए पीटा ब्रेड जिसको शोरमा बनाने में यूज़ करा जाता है और इससे बनाए गए अपन चिकन अरेबियन पफ। पहले जो दही बड़े के बैटर है उससे छोटा छोटा दही बड़ा बना के इसको फ्राई कर देंगे, फिर इसको पानी में छोड़ना रहता है ना। अभी इसमें ऑयल डाल दिए कढ़ाई में, अभी इसको दही बड़े के बैटर को डालेंगे। इधर पर रेडी हो चुके हैं और कुछ दही बड़े इधर पर और फ्राई हो रहे। अभी चिकन अरेबियन बनाने के लिए उसको बना रहे हैं। अभी जो शोरमा का कबूस रखे हैं, अभी इस पे डालेंगे फिलिंग्स, फिर उसके बाद डालेंगे मोज़रेला चीज़, इस तरह से डाल देना है, फिर इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद जो पानी है नॉर्मल अपना वाटर उससे इसको स्टिक कर देना है साइड साइड में। देखिए अभी चिकन अरेबियन पफ रेडी हो चुके हैं, अभी इसको फ्राई करेंगे। अरेबियन पफ बन चुके हैं, अभी इसको तेल में शैलो फ्राई कर लेंगे। देखिए जो मिक्सचर बनाए थे उसमें डिप अच्छे से कर लेना है। देखिए फिर उसके बाद इसको ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर लेना है। देखिए देखिए अभी कोट हो चुका है, अभी इसको डाल देंगे तेल में शैलो फ्राई करने। दही बड़े को पानी में डाल देना है, इसको अच्छे से थोड़ा भीगने देना है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा हाथ से ऐसे दबा दबा के पानी निकाल के इसको रख देना बाउल में। देखिए जिस तरह हम लोग ने रखे हैं। अभी अफ्रीकन पफ रेडी हो चुके हैं। देखिए रोजा लगा है, कुछ कुछ बोल रहा ही नहीं है। और हम लोग की अफ्तारी में देखिए आज येलो कड़िंगर भी है और रेड भी है और हमारे चिकन पफ रेडी हो चुके हैं। अरे चिकन अरेबियन पफ रेडी हो चुके हैं। देखिए हमारी पूरी अफ्तारी। अल्लाह हमारी जबान पर कलमा तैयब हमेशा जारी रख। आमीन। ऐ अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमें पूरे रमजान की नेमत और अनवार से बरकत अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमारे हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, करम की बारिश फरमा और इसके हलाल अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे।